दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सोलर ड्रायर का इस्तेमाल करके अनाज को मंडी में भेजने से पहले सुखाया जाता है। इन ड्रायर में आमतौर पर ऊर्जा पैदा करने के लिए निष्क्रिय सौर पैनलों का उपयोग किया जाता है। एक बड़े सोलर ड्रायर में आमतौर पर एक सेट के बने होते हैं, जिसमें अनाज को सुखाने के लिए एक रैक और एक सोलर पैनल होता है। एक पंखे से जब सेट के जरिए गर्म हवा चलाया जाता है, तब इस पर अनाज सूखते हैं। घरेलू इस्तेमाल के लिए छोटे सोलर ड्रायर पर सब्जी, फल, मसाले आदि जल्दी खराब होने वाले नम प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री जैसे आलू, चिप्स, पत्तियों वाली सब्जी आदि बगैर गंदा किए सुखाए जा सकते हैं। मजबूत संचालन सोलर ड्राइव सोलर कलेक्टर का प्रयोग करती है, ताकि हवा का संचालन तेज किया जा सके। इस तरह के ड्रायर में सोलर एयर हीटर, एक इलेक्ट्रिकल ब्लोअर, नलिकाओं को जोड़ने वाला सुखाने के लिए एक चैम्बर, हवा के तापमान और उसके बहाव को नियंत्रित करने के लिए एक कंट्रोल प्रणाली लगे होते हैं। इस तरह के ड्रायर का इस्तेमाल उच्च क्षमता वाले उत्पादक को सुखाने के लिए किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों, हमारी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप हमारी यह वीडियो को YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारी यह वीडियो को Facebook में देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।